हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इस जो नॉर्मल सा ये वॉल्यूम है ये कैसे काम करता है, ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये कैसे काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, छोटा सा वीडियो होगा तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके मदद से वॉल्यूम कैसे कंट्रोल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कनेक्शन रहता है, यहाँ पे 2 पर मैंने कनेक्शन किया हुआ है, 1 पर कनेक्शन अभी नहीं है। तो यहाँ पे जो मिडिल पिन होता है इससे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो ये दोनों साइड का पिन है इसका वैल्यू होगा जो इसके अंदर पीछे लगा हुआ है, जैसा कि इनमें हमारा 22K का ये एक TC है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली वॉल्यूम कंट्रोल होता है, आप कुछ भी चीज कंट्रोल कर सकते हो, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, VR है। तो यहाँ पे नॉब के मदद से आप आसानी से घुमा सकते हो, इस जगह पर छोटा भी आता है जो कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह से घुमाना होता है, लेकिन इन केस में यहाँ पे नॉब दिया गया है, अब इससे घुमा सकते हो। तो ये जो 1 नंबर और 3 नंबर पिन है इसका जितना वैल्यू दिखाएगा पोटेंशियोमीटर वही यहाँ पे नंबर दिखाएगा। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे किलो ओम्स पर सेट किया हूँ, तो अभी यहाँ पे नाप लेते, देखिए ये तो बहुत दूर जा रहा है भैया, रुक जाओ। तो यहाँ पे 30 कुछ भी दिखा रहा है, तो ये इतना ज्यादा सही नहीं है। तो मेरा यहाँ पे अच्छा है वाला एक ये 10K का है, तो इसका मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई आप तो मेरा, तो भाई क्या चल रहा है भाई, एकदम पागल जैसा भाग रहा है। एक्चुअली इसका दिमाग खराब हो गया है, देखते हैं दूसरा वाला, इसको मैंने यूज ही नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे ये 12K का दिखा रहा है, तो ये 10K का एक पोटेंशियोमीटर है। तो कई कई टाइम क्या होता है कि इस दोनों पर वोल्टेज दे देने पर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस 2 पिन पर आपको इसका जो मेन वैल्यू है वही दिखाएगा जो कि 10K, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि आपका जो काम है इस मिडिल पिन से लेकर इस पिन और इस पिन पर, ठीक है। बेसिकली देखिए मैं अगर इधर घुमाता हूँ, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड से अर्ग नहीं घूमेगा, तो यहाँ पे दिखाएगा ये फुल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, लेकिन इसका वैल्यू घट जाएगा। देखिए सिर्फ 6 ओम्स का दिखा रहा है, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो इसका घटने लगेगा 9K और इसका 2.2K। जैसे ही इस साइड पर मैंने फुल कर दिया तो इस पे यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा 5 ओम्स और यहाँ पे इसका 12K का दिखा दिया। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं, ठीक है, खोल के देखने पर कैसे काम करता है वो बेहतर समझ में आती है, ठीक है। तो जो सारा पोटेंशियोमीटर है सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, लेकिन कुछ कुछ अभी जो नया मॉडल पोटेंशियो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आया है कुछ ऐसा, ये मल्टी टर्न वाला है, मतलब इसका जो ऊपर वाला ये पीसेट है ये बहुत बार घूमता है, एक टर्न से पूरा कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कि इनमें एक टर्न भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन
इसके अंदर ही पूरा जो वैल्यू है इसके अंदर ही है, ठीक है। लेकिन इन पोटेंशियोमीटर पर बहुत ज्यादा मल्टीटन लगता है, तब जाके ये काम होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो एक ए वाला कनेक्टर है जो कि यहाँ पे जो ये जो मेटल का हिस्सा है यहाँ पे ये टच होता है, ये वाला हिस्सा टच होता है, ठीक है। और जो इसका ए वाला पॉइंट, इस कनेक्टर, इस प्लास्टिक जैसा देखने वाला, बोर्ड जैसा देखने वाला, यहाँ पे ये घूमता है। जब आप इसको घुमाता है तो कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और यहाँ पे जाके रुक जाता है, और यहाँ पे जाके रुक जाता है। अब जिस साइड घुमाओगे उस हिसाब से, तो यहाँ पे आप लोगों को इसका वेरिएशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टच किया, तो यहाँ पे मैंने टच किया हुआ, तो यहाँ पे 2.3K का दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। ये 22K का है, तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, तो 24 हो चुका है, यहाँ पे भी 24 है, तो है तो ये 22 का लिखा हुआ है। चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, ये लगभग जो वैल्यू है लगभग 29K का है, तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है, जैसे ही आप इसको घुमाओगे इस नॉब को, ये बेसिकली कभी, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से दिखा देते हो, देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। काफी सिंपल सा चीज है और बहुत ही बढ़िया काम करता है, और ये कम प्राइस पर आता है, जैसा कि एल कॉम्बो होता है। यहाँ पे एल कॉम्बो नहीं, एल कॉम्बो नहीं है, एलकॉन, ELCON, एलकॉन। एलकॉन का जो पोटेंशियो जो होता है वो थोड़ा सा प्राइस में ज्यादा होता है, लगभग डबल इसका प्राइस होता है, ठीक है। तो एलकॉन का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है हमारा इंडियन मार्केट पर। तो कुछ इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।